फदीरत शेख सालेह फौजान हफीज़ुल्लाह से सवाल हुआ, क्या हम काफिरों से जो जिहाद करते हैं उससे पहले जो कबर परस्त लोग हैं और औसान यानी अल्लाह को छोड़ के गैरों की, चाहे वो मजार हो या दूसरी चीजें हैं या जो बिदती लोग अहले बिदत हैं, उनके खिलाफ जिहाद को मुकदम ना करें, यानी काफिरों से पहले तो इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। इसके जवाब में शेख फरमाते हैं, ये सारे ही काफिर जो कबर परस्त लोग हैं, कबरों की इबादत करते हैं, वो भी काफिर हैं। उनके दरमियान और जो काफिर जिन्हें आप समझते हैं कुफार के दरमियान कोई फर्क नहीं, बल्कि ये तक कहा जा सकता है कि जो कबरों की इबादत करते हैं वो तो मुर्तद हैं, बल्कि क्योंकि वो मुसलमान थे फिर उन्होंने कबरों की इबादत, उनकी पूजा शुरू की, कबर परस्त बने, तो फिर वो मुर्तद हो गए अपने इस अमल की वजह से। तो उनके साथ तो मुर्तद लोगों वाला मामला करना चाहिए। यहां शेख का कलाम खत्म हुआ और जाहिर सी बात है दीगर शेख के कलाम से आप समझ सकते हैं कि ये काम भी जो है वली अमर और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर कोई अपने तौर पर अपने हाथों में चीजों को नहीं ले सकता, हर चीज को उसके मकाम पर रखकर समझना चाहिए।